नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में कोरियन कंटेंट का क्रेज किस लेवल पर रहा है। कोरियन मूवी पैरासाइट से लेकर हिट नेटफ्लिक्स सीरीज स्क्विड गेम तक कोरियन कंटेंट ने सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिटी के दम पर पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाई है। तो इस साल 2022 की सबसे बेस्ट कोरियन मूवीज कौन सी हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, इसी सवाल का जवाब देने के लिए 2022 की सबसे बेस्ट कोरियन मूवीज इस वीडियो में कवर की गई हैं। तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फिर आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो हम जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 7 पर एक्शन एडवेंचर का एक सिंपल सा डोज है एक ऐसी फिल्म जो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सीरीज की यादें ताजा कर देगी। मार्च 2022 में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हुई ये कोरियन फिल्म द पायरेट्स द लास्ट रॉयल ट्रेजर। अपने टाइटल की तरह ये फिल्म एक एडवेंचरस ट्रेजर हंट की जर्नी हमारे सामने रखती है, जिसमें पायरेट्स का एक ग्रुप पुराने समुद्री खजाने की तलाश में निकलता है। इस खजाने के पीछे और भी बहुत लोग लगे हैं। अब सबसे पहले ये खजाना किसको मिलेगा, यही तो फिल्म में देखने वाली बात है। अगर आप सिर्फ फन के लिए एक एडवेंचर फिल्म देखना चाहते हैं तो ये कोरियन फिल्म बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। बस ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर इसे मत देखिएगा। अराउंड 2 आवर्स की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है और एंटरटेनमेंट के मामले में तो ये कहीं आपको निराश नहीं करेगी। 6th नंबर पर एक इंटरेस्टिंग स्पाई थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों, कोरियन सिनेमा में एक्शन थ्रिलर एंटरटेनर्स की क्वांटिटी हमेशा से ज्यादा रही है और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कोरियन क्रिएटर्स टाइटली बाइंडेड एक्शन थ्रिलर्स बनाने में एकदम माहिर हो चुके हैं। अप्रैल 2022 में रिलीज हुई ये नेटफ्लिक्स फिल्म यक्षा रूथलेस ऑपरेशन इस बात का एक और प्रूफ है। इस फिल्म में पॉलिटिकली चार्ज्ड इनसाइड मैन, रिवेंज ड्रिवन द विलेनेस और बिलीवर जैसी क्लासिक कोरियन एक्शन फिल्म्स की झलक नजर आती है। ये फिल्म मेनली एक प्रोसिक्यूटर और एक एस्पियोनाज एजेंसी के सीक्रेट टीम लीडर के अराउंड सेंटर्ड है और एक टफ मिशन एंड लाजवाब एक्शन हमें दिखाती है। दोस्तों, इस फिल्म की स्लो पेस इसका वीक पॉइंट बनती है, लेकिन इसके टाइटली एडिटेड एक्शन सीन्स भाई सब कुछ बैलेंस कर लेते हैं। अराउंड 2 आवर्स की ये कोरियन फिल्म नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। 5th नंबर पर मेरे एक सबसे फेवरेट जॉनर एस्पियोनाज थ्रिलर जॉनर की फिल्म है जो इंटरेस्टिंग स्पाई थ्रिल के साथ साथ अपने मिस्ट्री वाले पार्ट से आपको एंड तक बांधे रखेगी। अगस्त 2022 में रिलीज हुई है कोरियन फिल्म हंट 1980s के टाइम में सेट है, जहां साउथ कोरियन प्रेसिडेंट की डेथ के बाद नॉर्थ कोरिया अपनी चाल चलता है और इसके बाद फिल्म में एक वॉर शुरू हो जाती है एक डेडली स्पाई और 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स के बीच। दोस्तों, एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देने वाला कैट एंड माउस चेजिंग गेम ये फिल्म ऑफर करती है। इसका 2 आवर्स एंड 11 मिनट लॉन्ग रनिंग टाइम थोड़ा सा फील जरूर होगा, लेकिन इसके एक्टर्स की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और फिल्म की एस्पियोनाज सेटिंग इसे आराम से कवर कर लेगी। इस थ्रिलिंग हंट को आप Amazon प्राइम पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये फिल्म वहां रेंट करके आप कोरियन लैंग्वेज में स्ट्रीम कर सकते हैं। 4th नंबर पर रियल इवेंट्स बेस्ड एक एक्शन पैक डिजास्टर फिल्म है। अगस्त 2022 में रिलीज हुई इमरजेंसी डिक्लेरेशन। इसका टाइटल स्टोरी को एकदम जस्टिफाई करता है, जहां एक फ्लाइट में टेरर इंसिडेंट के बाद इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। दोस्तों, इस फिल्म में शुरुआत के 20 मिनट एकदम कमाल के हैं, जहां स्टोरी में बहुत कुछ एक साथ चल रहा होता है। तो इस तरह फिल्म की शुरुआत ही इतनी इंगेजिंग होती है कि इसकी एंडिंग उसके सामने थोड़ी सी डल नजर आती है। फिल्म के एंड में और फिल्म के मिड में जो 30 से 40 मिनट की सोशल कमेंट्री और मेलोड्रामा है उसे हटाने से ये फिल्म एकदम टाइट और ग्रिपिंग बन सकती थी। तो इस तरह फिल्म की एंडिंग, इसका ड्रामा और इसका लॉन्ग रनिंग टाइम इसके वीक पॉइंट्स हैं, लेकिन भाई फिल्म की अमेजिंग स्टार कास्ट और फिल्म की रॉक सॉलिड बिगिनिंग इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। सिर्फ 30 मिनट्स तक का ओवर ड्रामा अगर आप इग्नोर कर सकते हैं तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और इंटरेस्टिंग डिजास्टर स्टोरी के लिए Amazon प्राइम पर कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल इस फिल्म को आप ट्राई कर सकते हैं। इसके इंग्लिश सबटाइटल्स भी प्राइम पर अवेलेबल है। 3rd पर एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी है जिसे आप अकेले में ही देखें तो ज्यादा बेहतर है। फरवरी 2022 में रिलीज हुई ये नेटफ्लिक्स फिल्म लव एंड लीशेस एक स्पाइस्ड अप रोमांटिक स्टोरी है। इस कहानी में पेनफुल प्लेजर के लिए 2 co-workers कुछ कंडीशंस के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, पर आखिर में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इस फिल्म की नॉटी यूनिक स्टोरी और इसके दोनों लीड कैरेक्टर्स का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आप BDSM जैसे बोल्ड टॉपिक से अनकंफर्टेबल है तो फिर ये फिल्म आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर बोल्ड और नॉटी टच वाली एक फनी रोमांस जर्नी आप इंजॉय करना चाहते हैं तो फिर 2 आवर्स की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आपके लिए हिंदी में अवेलेबल है। 2 पर ओल्ड बैकड्रॉप में एक मॉडर्न और बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी प्रेजेंट करने वाली फिल्म है 20th Century Girl। ये 1999 में सेट इस फिल्म की स्टोरी एक टीनेज गर्ल पर आकर रुकती है जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए अपने क्लास के सबसे पॉपुलर लड़के पर नजर रखती है और इसके बाद भाई फिल्म में एक अनएक्सपेक्टेड लव एंगल शुरू होता है। दोस्तों, फिल्म के क्रिएटर्स ने व्यूअर्स को 90s के टाइम में ले जाने के लिए एकदम परफेक्ट एलिमेंट्स का यूज किया है। प्रिडिक्टेबल स्टोरीज का वीक पॉइंट जरूर बनती है, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले, लीड स्टार्स की परफॉर्मेंस, ये सब फिल्म का मजा बनाए रखते हैं। रोमांस ड्रामा जॉनर अगर आपको बहुत अट्रैक्ट करता है तो फिर 2022 की ये वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक फिल्म आपको मिस नहीं करनी चाहिए। अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। 1 पर इंटेंस क्राइम एक्शन फिल्म है जो अपने डार्क सब्जेक्ट मैटर की वजह से एकदम थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग नजर आती है। मई 2022 में रिलीज हुई द राउंड अप।
ये 2017 की हिट कोरियन फिल्म द आउटलॉस का सीक्वल है और इस नई फिल्म में पिछली फिल्म के 4 साल बाद लीड कैरेक्टर जो एक डिटेक्टिव है वो एक क्रिमिनल को लेकर वियतनाम जाता है और भाई वहां एक अलग ही पिक्चर चालू हो जाती है। दोस्तों द राउंड अप में हार्ड हिटिंग एक्शन सीन्स के साथ एक बहुत अच्छे से लिखी गई इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, साथ ही लाइट कॉमेडी और ड्रामा का टच इस कोरियन मूवी को हर तरह से सेटिस्फाइंग बना देता है। ये 2022 की सबसे बेस्ट कोरियन फिल्म है और इस कंप्लीट एंटरटेनिंग पैकेज को Amazon प्राइम पर आप इंजॉय कर सकते हैं। वहां ये फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। 2022 की इन बेस्ट कोरियन मूवीज की तरह क्वालिटी कंटेंट कभी भी आपको मिस नहीं करना चाहिए, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी क्वालिटी मूवी लवर्स की इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। भाई वीडियो पसंद आया हो तो हमारी थोड़ी सी मेहनत के लिए इसे लाइक करके अप्रिशिएट करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। 2022 की बेस्ट हॉरर मूवीज के लिए लेफ्ट वाला वीडियो जरूर देखिए और इस साल की सारी बेस्ट एंटरटेनर्स राइट में शो हो रही प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो बस आज का साथ यहीं तक का था दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।